सादा विरमनि सिखा पदं स्मादियामि यशपाल सर, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो जय भीम सर। हाँ सर, जय भीम बोलिए सर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर कि जैसे हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है ना, ये तो सर पाली भाषा के बाद में आई है, जी। और जो हमारी ये जो कहते हैं कि ऋग्वेद है, सामवेद है, ये जो है जीसस क्राइस्ट से 8,000 साल पहले लिखे गए हैं, और जी लेकिन जो हमारी लैंग्वेज थी, यूनिवर्सल लैंग्वेज, जो हमारी जो भारत की लैंग्वेज थी, वो पहले पाली भाषा थी, तो पाली भाषा में से संस्कृत भाषा निकली हुई है, ये भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो जैसे इन्होंने चाणक्य के करेक्टर को रिट्रोस्पेक्टिवली इनकॉर्पोरेट किया है, तो ऐसा है कि ये पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल में लिखे गए हों, और उसके बाद उनको रिट्रोस्पेक्टिवली पीछे जाके इनको इन्होंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, इस तरह का मेरे दिमाग में काफी समय से क्वेश्चन चल रहा था, उसमें क्लैरिटी चाहिए थी मुझे। डॉक्टर यशपाल, डॉक्टर यशपाल जी, जी सर, देखिए जी पहले सर, तो आप, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया में संस्कृत की जो संख्या है वो हजारों की संख्या में है। जी सर, संस्कृत का मतलब होता है जिसका संस्कार हो, जी सर, संस्कार, और संस्कार का मतलब है, पाली में हम इसको संखरित बोलते हैं, संखारा बोलते हैं, संखरित बोलते हैं, संखति बोलते हैं। तो जी सर, उसका संस्कार का मतलब है, इंग्लिश का मतलब है जिसमें मॉडिफाइड किया हो, जिसमें बदलाव हो। और जब हम जी किसी सर, भाषा में बदलाव होता है तो अधिकतर उसमें जोड़ा जाता है, मगर पाली से कुछ घटाया भी गया है, कुछ जोड़ा भी गया है। तो जी ऐसी सर, जितनी भाषाएं हैं जिनका संस्कार होता है उनको, हाँ बोलिए उनको बोलिए, संस्कृत भाषा बोलते हैं। जैसे जी उर्दू सर, भाषा है वो भी संस्कृत है। जब जी भी सर, कोई भाषा होती है मूल भाषा, उसमें कुछ जोड़ के या घटा के कुछ नया बनाया जाता है, उसको संस्कृत बोला जाता है। न्यू एडिशन नहीं कह दो संस्कारित, कि मैं बलरामपुर में नहीं तो देख उसका जा संस्कार पाऊंगा, हो गया है। हमारे तो ऐसी भाषा बहुत वहां सारी है, तो बलरामपुर इसका में मतलब कोई है जो इलाज ही मेन नहीं है, भाषा है, वहां छोटा अस्पताल है वहां, जो जी मेन सर, भाषा है उससे संस्कार हुआ है। जो मेन भाषा है वो आज के समय जिसका नाम हम पाली बोलते हैं, ये पाली नहीं है जी दरअसल। सर, इसका नाम तो पाली बहुत मॉडर्न बाद में आया है। पहले जी इसका सर, नाम अशोकी रहा है, कौसली रहा है, मगधी रहा है, और मगधी से पहले, कौसली से पहले कुछ और भी रहा होगा। मतलब पहले जी सर, क्षेत्र के नाम पे ये भाषाएं पड़ती थी, और जब ये भाषा बनी है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, तब इसका कोई नाम भी नहीं था। जी प्राकृतिक सर, भाषा ठीक ऐसे जैसे आप जानते हो कि गले से जो आवाज निकलती है, वो बच्चे की जो आवाज निकलती है उसको सरा बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। तो वो कैसे होते हैं, फिर उसमें व्यंजन बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं, वो अलग सिस्टम है। आवाज वैसे बनती है, इसलिए सारे व्यंजन दुनिया में अलग अलग तरह के बनते हैं, मगर सरा जो होते हैं, स्वर जो होते हैं, वो बिल्कुल एक से होते हैं, यानी वो भी जी सारे सर, एक से होते हैं। जी तो अब अक्षर जो बने हैं वो सबसे, वो बुद्ध के समय भी नहीं थे। अक्षर जो बने हैं वो अशोक ने बनाए हैं, जिसको हम जी सर, धम्मलिपि बोलते हैं। धम्मलिपि जी बनते सर, हैं, और या देवनागरी, तो धम्मलिपि से देवनागरी बनी है, नाग लोगों ने जो बनाए हैं बाद में। तो पत्थर पे जो पहले जी अक्षर लिखे मिलते हैं वो अशोक के बाद मिलते हैं, यानी अशोक ने लिखवाए जी हैं। तो सर, लिपि जो बनी है वो तभी बनी है। जब लिपि पहले बनी है तो इसका मतलब ये है कि जो पहले से चला आ रहा है वो तो लिखा ही नहीं गया। जिसको ये कहते हैं कि ये 6 साल पुराना लिखा है, ये 6,000 साल पुराना है, या 10,000 साल पुराना है, वो तो बेकार की बात है, क्योंकि जब अक्षर ही बाद में बने हैं तो मतलब लिखा कहाँ से होगा। वैदिक काल नाम की कोई चीज नहीं हुई है प्रैक्टिकली, नहीं, वैदिक वो वैदिक वैसे आप पहले ये समझो कि वैदिक काल का मतलब क्या है। देखो, जो आपके शरीर में जो वेदनाएं आती हैं, चाहे वो सुखद है या जो दुखद है, उसकी जो स्टडी होती है, उसकी स्टडी जिस काल में की गई है उसको वेद काल बोलते हैं। वेद काल से वैदिक ओके काल राइट, बोल दिया है इसको। तो जी वेदनाओं की सर, स्टडी तो वेदना, सबसे ज्यादा बुद्ध ने की है, उनको वेदंत गुरु बोलते हैं, वेदंत गु बोलते हैं। वेदंत गु का मतलब है वेदनाओं के अंत तक जानने वाला गुरु, तो वेदंत गु बोलते हैं। जी सर, इसलिए जो गु है, गु जो विष्ठा को नहीं बोलते, मल को नहीं बोलते भी, गु का मतलब गुरु होता है। हमारे गुरु को गु करके उन्होंने मल बनाया है। तो वो बिगाड़ जो दिया सब, जो बुद्ध से पहले जितनी लोगों ने जो वेदनाओं पर अध्ययन किया, जैसे साम वेदना पे अध्ययन किया, तो काली वेदनाएं होती थी, दुखद वेदनाएं, जो ऋजु जी वेदनाएं सर, होती थी, जो सीधी सरल वेदनाएं होती थी, जैसे खाना खाया, पानी पिया, किसी मिले जुले जो वेदनाएं आती थी शरीर में, वो ऋजु वेदनाएं हो गई। जैसे आयु बढ़ाने वाली वेदनाएं हो गई, तो उसको आयुर्वेद बोल गई, जो चीजें आयु को बढ़ाने वाली थी, तो वो आयु वेदनाएं हो गई। तो ऋग माने हो गया जो राग की वेदनाएं होती थी, जो राग में संलग्न वेदनाएं होती थी। तो ये बाद में इनके वर्जन बने हैं, पहले तो ये सब वेदनाओं पे चलती थी, सारे का सारा वेदनाओं का अध्ययन जो बुद्ध से भी पहले चलता आ रहा है, और जो हम ही लोग करते थे दरअसल। जो इसी शब्द है, इसी को संस्कारित करके बाद में ऋषि बनाया,
तो हम इसी लोग हैं, इसी का मतलब वैज्ञानिक है। तो भाषा जो थी वो शुरू में जो मगधी, पाली या कौशली वही थी, क्योंकि वही भाषा थी और कोई था नहीं, हमारे लोग उसी भाषा का इस्तेमाल करते थे, उसी में वो अपनी जानकारी एक दूसरे को गा गा के आगे पढ़ाया करते थे, उसको सूत बोला करते थे गा के आगे। मगर जब धम्मलिपि बनी और धम्मलिपि के बाद में इस लिपि में मिक्सिंग की गई, संस्कृत किया गया, इसमें कुछ शब्द डाले गए, आधा रे, शे, गे, त्रे, ये शब्द इसमें जोड़े गए हैं और कुछ घटाए गए, जैसे उसके अंदर लय हटा दिया और जो सबसे ज्यादा जबरदस्त था वो निगहित था, यानी जिसमें बाद में अंग की आवाज आती है, अंग, वो हटा दिया। तो उसके हटाने से भाषा पूरी तरह से बदल दी और फिर उसके अर्थ भी बदल दिए। तो जो लिखा गया है वो बाद में लिखा गया है, मगर जो बोला जा रहा था वो उसके बोलने का चेंज मिलता है। शुरू में वो बिल्कुल पाली यानी मगधी कौशली से मिलता हुआ, बाद में आते 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 वो संस्कृत करते करते संस्कृत से मिलता हुआ है। और वो बहुत, मतलब वो हजारों सालों में लिखे गए हैं। लिखे क्या गए हैं, मतलब याद किए गए हैं। जैसे जो बुद्ध से पहले जो लोग थे उन्होंने जो अध्ययन किया, मिर्च खाने से कैसी वेदनाएं आती हैं, छाल खाने से कैसी आती हैं, पिटाई खाने से कैसी होती हैं, ये सारी वेदनाओं का अध्ययन किया गया। इसलिए वो वेद जो है ओरिजिनल वो हमारे ही हैं, वो किसी के बाहर के नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग कभी कोई लेके नहीं आए, जो लेके आए वो उनका अवेस्टा है, उनका बाहर का चीज है सारी सारी। तो वेद हमारे हैं, उसमें मिक्सिंग की गई है, बाद में उसमें हिस्ट्री जोड़ दी। शुरू में तो उसमें जो खोज की थी वो थी, बाद में उसमें हिस्ट्री जोड़ के उसका बेड़ा गर्क कर दिया। इसलिए जो कि उसमें अपना नाम डाल दिया, उसमें हिस्ट्री डाल दी, इसलिए उसका अध्ययन करने का अब कोई फायदा है नहीं। हाँ जी, हाँ जी, अब इसका मतलब वेद जो है वो हमारी प्रोप्राइटरी है, उसके बाद उन्होंने उसको चुरा के मॉडिफाई करके इन्होंने अपनी प्रोप्राइटरी में कन्वर्ट कर लिया है और मिक्सिंग की है उसको। दरअसल जो उसमें अडल्ट्रेटेड कर दिया उसको, हाँ, वैज्ञानिक खोज से उसको हिस्ट्री में ले आए, उसमें हिस्ट्री डालना शुरू कर दिया। हाँ, अडल्ट्रेशन कर दी उसमें। और एक सर दूसरा, हाँ जी, एक दूसरा क्वेश्चन था सर मेरा इसमें, जो आर्य थे, आर्य तो भारत में पहले भी रहते थे, महात्मा बुद्ध से, गौतम बुद्ध से पहले भी, और हम कहते हैं कि आर्य सिर्फ विदेशी हैं, तो उसमें बाबा साहब ने अपने वॉल्यूम 13 में लिखा हुआ है, हिंदी में है जो मेरे पास, कि आर्यंस जो है वो भारत में रहते थे, और उन्होंने जो आर्यंस जो ऋग्वेद के रेफरेंस दिए हुए हैं कि ऋग्वेद के अंदर ये लिखा है कि आर्य मतलब शत्रु है, आर्यों से इंद्र ने हमारी रक्षा की, ऐसे का उन्होंने काफी वेद के रेफरेंस दिए हुए हैं बाबा साहब ने, तो ये है कि आर्य जो है वो भारतीय बताए गए हैं और वो बाहर से लोग आए, उन्होंने हमारा आर्य शब्द भी चुरा लिया, और आर्य सत्य जो है संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का जो अष्टांग मार्ग है वो भी आर्य सत्य के नाम से ही है। इसने भी थोड़ा सा मुझे क्लैरिफाई कीजिए कि आर्यन जो है वो हम लोग थे या बाहर से लोग आए थे वो थे आर्यन। बाबा साहब ने तो क्लियरली उसमें लिख दिया कि आर्यन इंडियन थे वॉल्यूम 13 में। नहीं, बाबा साहब ने वॉल्यूम 13 में भी लिखा है और 16 में बताया हुआ है। दरअसल इसका अगर ओरिजिनल शब्द आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसका जो ओरिजिनल शब्द है आर्य और अनार्य तो संस्कारित है, क्योंकि इसमें आधा रे आता है जी सर। तो इसका ओरिजिनल शब्द है वो है अरिय और अनर्य जी सर। तो हम लोग अरिय हैं, तो इसलिए जो बुद्ध बताते हैं वो अरिय सच बताते हैं। अरिय सच का मतलब है जो श्रेष्ठ है, जो अच्छा है, और अनर्य का मतलब है जो अच्छा नहीं है। तो अच्छे लोग हम ही हैं और हम ही आर्य हैं। बाद में इसको आर्य और अनार्य किया गया और फिर आर्य उन्होंने अच्छा शब्द अपने लिए रखा, क्योंकि हम गुलाम बन गए तो खराब शब्द हमको पकड़ा दिया, तो हमको वो, क्योंकि वो जब अच्छे, जब मालिक बन गए और सब चीजें उनके पास चली गई, एजुकेशन उनके पास चली गई, पढ़ाई उनके पास चली गई, पैसा उनके पास चला गया, सत्ता उनके पास चली गई, तो वो अच्छे हो गए, तो हम निकम्मे हो गए, क्योंकि युद्ध में हारे हुए लोग तो निकम्मे ही होते हैं। तो वो हमको फिर अनार्य कहने लगे और अपने आप को आर्य कहने लगे। मतलब आर्य, आर्य मतलब आर्य शब्द भी हमारा, जैसे वेद हमसे उन्होंने खुद अपने प्रोप्राइटरी बना के हमारे ही वेद हमारे ऊपर इम्पोज कर दिए, और हम ही को उनको पढ़ने से और लिखने से अडल्ट्रेटेड करके उन्होंने अपने 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 जो पर्पजफुली अडल्ट्रेट करके और अपने अपने लिए उन्होंने इम्प्लीमेंट कराया है, और ऐसे आर्य शब्द भी उन्होंने हमारा लिया। हाँ, इसके अलावा जो और शब्द है वो स्वर्ण, स्वर्ण और अवर्ण भी है जो पाली में, हाँ, जो पाली में वन शब्द है, वन का मतलब होता है रंग, जैसे लाल रंग को बोलते हैं लोहित वन, पीले को बोलते हैं पीत वन, सफेद को बोलते हैं सेत वन, काले को बोलते हैं कढ़े वन, तो वर्ण का मतलब होता है वन, बोलते हैं रंग को। इसमें वर्ण से उन्होंने आधार जोड़ के वर्ण किया, तो अपने आप को उन्होंने कहा, तो जिनके रंग नहीं होते उनको बोलते हैं अवन, यानी बिना रंग का, ए वन, और जिनके पास रंग होता है, जिनकी खाल में रंग होता है, उनको बोलते हैं सवर्ण, यानी निज के साथ, रंग के साथ। तो हम लोग तो काले थे, तो हम लोग सवर्ण हैं, यानी कि रंग के साथ हैं,
जो लोग बाहर से आए उनका रंग नहीं था तो उनको हमने अवर्ण कहा कि ये अवर्ण है, बिना रंग के हैं। बाद में वर्ण को वर्ण किया तो अवर्ण हो गया, वर्ण हो गया, तो वो लोग अवर्ण थे और हम लोग सवर्ण थे। हम अच्छे लोग थे, बाद में ये शब्द बदल दिया, अच्छा शब्द उन्होंने ले लिया अपने आप को, स्वर्ण के कहने लगे, और स्वर्ण से फिर वो उसको स्वर्ण को गोल्ड से कहने लगे, और हमको क्योंकि हमारा रंग गोल्ड जैसा होता था, हमारी स्किन का रंग जो होता था वो सुनहरा होता था, गेहूं की बाली जैसा होता था, हिरण की खाल जैसा होता था, उगते रंग गेहूं कहते हैं सर। तो जी हम सर, लोग स्वर्ण हैं बेसिकली। जी सर, ये भी बहुत अच्छी बात कही सर, वो भी उन्होंने उल्टा कर दिया सर। बहुत सारे जो शब्द है वो जो पहले अच्छे थे वो फिर खराब हुए, बाद में फिर अच्छे हुए। आप 16वां वॉल्यूम पढ़ोगे उसमें बाबा साहब ने पाली के लिए सीखने के लिए बोला हुआ है हमें। पाली वो मैं कोशिश कर भी रहा हूँ सर, वो मैं देख भी रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam Sarnam Garchami.